IVF के साथ साथ काफ़ी सारी टेक्निक्स भी कर सकते हैं। पहले तो जो एडवांस IVF में हुआ वो था फ्रीजिंग। ये एम्ब्रियो हम फ्रीज कर सकते हैं जब तक वो ट्रीटमेंट पे जाने वाले कपल तैयार हों कि जब वो बच्चा चाहते हैं। और दूसरा, अगर वो स्त्री की शादी नहीं हुई है और वो चाहती है कि मैं बच्चा बाद में जब मेरी शादी हो तब करूं, तो उसके एग्स भी फ्रीज कर सकते हैं और जब भी वो चाहे वो फिर उसके पार्टनर के साथ फर्टिलाइज करके उसके अंदर डाल सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, वो है कैंसर पेशेंट। कैंसर की ट्रीटमेंट सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी, रेडिएशन भी होता है, और ये रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी बीज कोश में या टेस्टिस में एग और स्पर्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर शायद फ्यूचर में वो कभी खुद का बच्चा ना कर सके। इसीलिए उनकी ओवरी या टेस्टिस या उनके स्पर्म या उनके स्त्री बीज फ्रीज करके रखने से जब वो कम्प्लीटली कैंसर से क्योर हो जाएं, तब वो खुद का जेनेटिक बेटा बचा कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी भी कोई टेक्निक है, अगर फैमिली में बच्चा कुछ ऐसी बीमारियों से सफ़र करता है जिसको लाइक उसके फैमिली का ही कोई ब्लड या तो बोन मैरो दे पाए, सच एज एप्लास्टिक एनीमिया, जिसके लिए अगर वो माँ चाहे तो उसके एम्ब्रियो फिर से तैयार करके उस एम्ब्रियो का HLA टाइपिंग विद द चाइल्ड हु इज अलाइव उनके साथ करके वो एम्ब्रियो उसके गर्भाशय में डाल के उस सिब्लिम को बड़ा होके उससे बोन मैरो बोरो करके जो पहला बच्चा है जो सफ़र करता है उसके लिए ट्रीटमेंट जैसी हो सकती है। तो इस तरह से काफ़ी नई नई टेक्निक इसकी वजह से कर सकते हैं।